गाइस, आप में से बहुत से लोगों का एक फिक्स डाउट होगा, ठीक है, आज के करंट सिनेरियो को देखते हुए। और हमेशा करंट सिनेरियो पे इंसान का दिमाग भागता है, तो आपका एक डाउट होगा कि सर, सिविल में ही अपने कैरियर को आगे बढ़ाऊं या फिर आईटी के किसी एक छोटे मोटे स्किल्स को सीख के उसके अंदर चला जाऊं। ठीक, बहुत ऐसे बच्चों का डाउट रहता है और मुझे ऐसा हर दूसरे दिन कम से कम एक दो लोगों के कॉल जरूर आते हैं कि सर बताइए ना, क्यों ऐसा करें हम, या फिर हम सिविल में ही क्यों रहे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, सिविल में ही क्यों रहे, ठीक है, इसके कुछ अपने प्रैक्टिकल शेयर, अपने एक्सपीरियंस में शेयर करता हूं आपके साथ। देखो, सिविल में आपने बहुत मेहनत से 4 साल लगाए हुए हैं, ठीक है, इस 4 साल का रिजल्टेंट अगर तुरंत जीरो करना है, तो चले जाओ आईटी में। ठीक है, पर याद रखना, आईटी में आप जा रहे हो बाहर के डोमेन से, आईटी में क्या जा रहे हो आप बाहर के डोमेन से, वहां पर आपका कोई बेस नहीं है, वहां पर आप बैकेंड्स के काम करते हो। आईटी में जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं, हो सके तो कमेंट करके जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, मुझे अच्छे से पता है वहां पर ज्यादातर आपको बैकेंड्स के काम मिलेंगे। ठीक है, लोगों को रिप्लाई देना है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे कुछ इस तरीके के काम करने हैं, कॉलिंग्स पे के काम करने, कुछ इसी तरीके के मैक्सिमम वर्क देखने को मिलते हैं जो भी लोग इस डोमेन से उस डोमेन में स्विच करते हैं, या फिर किसी को टेस्टिंग का काम दे दिया कि भाई आप ऑटोमेशन टेस्टिंग करो या फिर मैनुअल टेस्टिंग करो, ऐसे बहुत सिंपल सिंपल वर्क होते हैं। इस काम में क्या होता है, उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। और फिर लॉन्ग टर्म में अगर देखते हो, शॉर्ट टर्म में आईटी की कंपनीज में डेफिनेटली थोड़े से ज्यादा पैकेज मिलते हैं, इसको मैं डिनाई नहीं करूंगा, पर लॉन्ग टर्म में मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा हुआ है, आईटी में उनका ग्रोथ धीरे धीरे स्लो हो जाता है। और यही अगर मैं बात करूं सिविल में, ठीक है, डेफिनेटली सिविल में मैं इस बात से भी एग्री करूंगा कि यहां पर लोगों का स्टार्टिंग सैलरी कम होता है, क्योंकि यहां पर डे वन से ही आप बहुत विशेष काम नहीं करते हो। अगर आप स्ट्रक्चर्स में आपको मैं लेके आता हूं, हायरिंग करता हूं, आप डे वन से ही G+5 का डिजाइन नहीं करते हो, बहुत सिखाना पड़ता है, काफी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसकी वजह से मैक्सिमम कंपनियां बहुत ही लेस पैकेज पर आपको हायर करती है। पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप लॉन्ग टर्म में यहां पर सीखते हो, तो यहां पर आपका करियर ग्राफ जरूर यहां से स्टार्ट होता है, पर कुछ इस तरीके से बढ़ता 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 आगे हमेशा बढ़ता चला जाएगा, इसकी गारंटी है। आईटी में ये चीज नहीं है, आपको डेफिनेटली यहां से नहीं, यहां से स्टार्ट होगा, पर आपका जो ग्राफ बढ़ेगा उसका जो स्पीड होगा बहुत लेस होगा। ये फैक्ट है, आप प्रॉपर चेक कर सकते हो, जिसका एक्सपीरियंस है उसे पूछ सकते हो। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो आईटी में इंफोसिस और भी कई ढेर सारी कंपनियों में काम कर रहे हैं, पर वो इस समय BIM सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? बिकॉज दे नो कि कल को अगर वहां पर, ठीक है, रिसेशन हर फील्ड में आता है, वहां पर भी आएगा, सिविल में भी आया, ठीक है, हर जगह रिसेशन आता है। तो जब रिसेशन आता है तो सबसे पहले जो आउटर्स होते हैं, आप आउटर बोले जाते हैं वहां पर, तो जो आउटर होते हैं पहले उनको खाली किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो मेन डोमेन के एटलीस्ट वो दो दो दिन तीन काम करेंगे, आउटर वाला उतना बेहतरीन वर्क नहीं कर पाएगा, उतना बेहतरीन रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। तो जनरली देखा जाता है कि आउटर्स को पहले ही बाहर कर दिया जाता है। और रिसेशन हर इंडस्ट्री में आता है, जिस तरीके से आईटी में लोग जा रहे हैं उसकी स्पीड को नापना, और ये मैं तुमको अपनी गारंटी से बोल सकता हूं, विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर देखना, बहुत से लोग आईटी के अंदर जॉबलेस हो जाएंगे जो बाहर से गए हुए लोग हैं। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कहीं पर भी भीड़ की एक लिमिट होती है, जब वहां पर अनलिमिटेड भीड़ होने लगे तो डेफिनेटली वहां पर आप कुछ इसी तरीके से, जैसे हमारे स्ट्रक्चर्स में फ्लोटिंग कॉलम्स होते हैं, फ्लोटिंग कॉलम का काम क्या है, कहीं पर सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे हमारे मेन कॉलम में स्ट्रेंथ आ गया, हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग कॉलम को हटाओ यार, क्या मतलब है इसका। ठीक है, क्योंकि फ्लोटिंग कॉलम का खुद का कोई फुटिंग ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके साथ बिहेवियर होगा। तो मेरा कहना ये रहेगा, स्टार्ट आप सिविल में ही करो, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 साल का एक्सपीरियंस लगता है, उसके बाद यहां पर आप बहुत बेहतरीन अर्निंग कर सकते हो और सिविल में कल को आप, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर रिच बनना है तो, एक मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली, 7 साल का एक्सपीरियंस है, कि अगर रिच बनना है तो आपको अपने बिजनेस में एक टाइम के बाद आना ही पड़ेगा। और ये चीज सिविल में बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग होती है, जिसका भी खुद का काम है वो समझ सकता है कि यहां पर जो अर्निंग है वो जब आप खुद का कुछ करते हो तो बहुत बेहतरीन हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप खुद का भी कुछ कर रहे हो तो बहुत पैसे कमाओगे। शॉर्ट टर्म में स्टार्टिंग का पहली सैलरी मत देखो, ये देखो कि अगर हमने सपोज आपने BIM में अपना करियर स्टार्ट किया, तो कुछ माइंडसेट अपना अलग करो कि अगर BIM में अपने करियर को स्टार्ट करो, मेरा प्लानिंग अच्छा रहेगा, मेरा मॉडलिंग अच्छा रहेगा,
कोई एक कंपनी अगर हमको 3.6 का पैकेज और प्रोवाइड कर रही है, मेरा पास एक्सपीरियंस है, अगर मैं बाहर से महीने का दो भी प्रोजेक्ट करता हूं तो 5,000 के नीचे तो कोई प्रोजेक्ट होता ही नहीं मॉडलिंग का। 3,000 रुपए कम से कम प्लानिंग के, 8,000 रुपए दो प्रोजेक्ट करते हो, 16,000 रुपए तो आप ऐसे ही अर्न कर लेते हो। तो ये सोचो कि यहां पर अगर हमने सीख लिया तो कितना हमारी अर्निंग बढ़ जाएगी। इस माइंडसेट के साथ अगर जाते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अपने डोमेन को नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरा स्ट्रांग सजेशन है। बाकी आप डेफिनेटली अपने मन का कर सकते हो, लेकिन याद रखना हर एक फील्ड में जब जब भीड़ आया हुआ है रिसेशन जरूर आया है, और रिसेशन में ऐसा हो जाएगा क्योंकि आप अपना डोमेन छोड़ चुके हैं, ऐसा हो जाएगा कि अब न घर के न घाट के। क्यों? क्योंकि सीधी सीधी बात, अब सिविल आप छोड़ चुके हो, आपके 5 साल 2 साल 1 साल हो चुके हैं, और आईटी बोलेगा कि भैया हमको आपकी जरूरत नहीं, हमारे डोमेन के लोग पर्याप्त हैं। सोच समझ के अपने करियर का चुनाव करो। मेरा यही कहना रहेगा कि आप अपने डोमेन का सही यूटिलाइजेशन करो। मैक्सिमम लोग टीसीएस हायर करती है, आप सबको पता है आईटी में, ठीक है 3.6 वगैरह का पैकेज दे देती है, 4.2 भी दे देती है, 5.6 भी दे देती है, पर काम क्या करती है कभी पता किया है कि वो हायर करने के बाद आपको यूटिलाइज किस तरीके से कर रही है? जनरली कॉलिंग्स के काम, मेल के काम, बैकेंड्स के काम, यही काम मैक्सिमम लोगों को अदरवाइज टेस्टिंग का काम ही देती है, ठीक है। बहुत रेयर हुआ तो आप डेवलपमेंट में चले जाते हो, ठीक है। उसके अलावा तो मुझे बहुत कम कैरियर ऑप्शंस दिखता है। और कभी मैंने भी सोचा था, जब मेरी सैलरी, खुद की सैलरी 25,000 थी, मेरा एक दोस्त था उसकी सैलरी लगभग 45,000 से 50,000 रुपए थी, भी मेरे से कम से नॉलेज था उसको, एक मुझे ऐसा लग उसमें लग रहा था, पता नहीं सही कि गलत। उसने मुझे बोला कि आ जाओ आईटी में, तुम C++ सीख लो, हम तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी 4.6 करवा देंगे। पर मेरा मन समझ में आया, और लॉन्ग टर्म में मैं अभी देख रहा हूँ कि मैं बेनिफिट में हूँ, टचवुड, और शायद मैंने वो डिसीजन नहीं लिया, अच्छा किया। अपने डोमेन में आज मेरा स्ट्रेंथ है, आज मेरा नॉलेज है, अपने खुद के काम है, तो डेफिनेटली आई थिंक ये अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से अपने डोमेन को मत छोड़ो, यही मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा। थैंक यू सो मच। हो सकता है आप लोग मेरी बातों से बिल्कुल डिनाई करो, डेफिनेटली कर सकते हो, अपना व्यू भी साझा कर सकते हो। ये भी बोलोगे सर स्टार्टिंग में साइट पर क्या बोलते हो, बहुत कम सैलरी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, क्यों जा रहे हो साइट पर, ठीक है। जब साइट पर ज्यादा लोग अवेलेबल हो तो बार्गेनिंग कर करके कम सैलरी ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। आप साइट के अलावा भी तो डोमेन देखो सिविल के अंदर, सिविल आपको पता है कितना बड़ा डोमेन है, केवल एक साइट उसमें प्रोफाइल नहीं है, साइट उसकी छोटा सा पार्ट है। व्हाई यू जस्ट फोकस ऑन साइट ओनली, ठीक है। डिजाइंस है, पीबी है, पीबी में बहुत बड़ा सेक्टर है, स्टेडियम्स के डिजाइन है, वेयर हाउस के डिजाइनिंग है, हैंगर्स के डिजाइनिंग है, कितना कुछ है, रेल के, मतलब कि आपको क्या बोलते हैं, रेलवे में बहुत ढेर सारे काम है, आपके क्या बोलते हैं आरसीसी में बहुत ढेर सारा काम है, प्रीकास्ट में इतना ढेर सारा काम है, सिविल में कम काम की कमी थोड़ी है। तो व्हाई यू जस्ट फोकस ऑन साइट इंजीनियरिंग टर्म्स ओनली, सोचो और अपने डोमेन का विकास करो, और अपने डोमेन में खुद का विकास करो, आई थिंक ये ज्यादा बेटर रहेगा। रिसेशन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपका खुद का फुटिंग है, खुद का कॉलम है, तो आप खड़े रहोगे। चलो जय हिंद जय भारत। अपना व्यू जरूर शेयर करना, आपका क्या थॉट है।